गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने आपको कल मैट्रिक्स चैप्टर से संबंधित उसके डिफिनेशन और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में बताया, आप लोगों ने उसे सीख लिया होगा। हम फिर रिमाइंड करा दे रहे हैं आप लोगों को कि मैट्रिक्स एक सिस्टम है और उस सिस्टम में एक रेक्टेंगुलर एरे में आप कोई भी डाटा, कोई भी फंक्शन, कुछ भी, कोई भी नंबर आप अरेंज कर दें एक रेक्टेंगुलर एरे में तो मैट्रिक्स कहलाता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कर लेना होगा और नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप 6 प्रकार के जो है मैट्रिक्स पाएंगे। नंबर वन पे क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप उस मैट्रिक्स को कहते हैं, आप ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। आप कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाए, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली रो मैट्रिक्स आप किसको बोलेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी सिर्फ एक ही रो पाया जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे रो मैट्रिक्स के लिए, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक रो दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। एक रो में ही ये एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं तो ये मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आप आइए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वही चीज हमने लिखा, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इस एग्जाम्पल में आप देखें यहाँ पर हमने 2, 4, 3, 5 एलिमेंट्स दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज 1 और 2, यानी नंबर ऑफ रोज 2 मिले, नंबर ऑफ कॉलम देखें 1, 2, नंबर ऑफ कॉलम भी आप देख रहे हैं 2, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अगर आप देखें 1, 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम देखें 1, 2 एंड 3, यानी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको सिर्फ आपको ये देखना होगा नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम के, तो मैट्रिक्स आपकी क्या कही जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, यानी कोई मैट्रिक्स ऐसी हो कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट्स हों वो 0 हो, क्या हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो वो आपकी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, -1, 2 डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जो है क्या कही जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर सेटिस्फाइड होगा, समझे आप। तो यहां स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो आपका मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर भी डायगोनल के एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। इसी प्रकार और भी आप मैट्रिक्स एग्जांपल में ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स किस टाइप का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसको बोलते हैं, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स ओनली 1 हो, सिर्फ 1 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। क्या बताया हमने कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा
कुछ ना हो तो, और बाकी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स के आप जानते हैं कि जीरो होते हैं, यानी डायगोनल पे जो एलिमेंट्स लिखे हों वो सिर्फ वन हो, तो वो मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, जिसको हम सिंबल आई से डिनोट करेंगे। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज वन। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली है, यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही 2x2 का मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कि वन है, बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं। और इसी प्रकार 3x3 में भी आप देख सकते हैं कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स वन होंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कही जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कही जाएगी। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइप आपका मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स। If all elements of matrix is zero, यानी ऐसा matrix जिसके all elements zero हो, तो matrix क्या कही जाएगी, zero matrix कही जाएगी, जिसको आप null matrix भी बोल सकते हैं। ये है आपके types of matrix। इससे पहले आपने सीखा है कि order of matrix क्या होता है और matrix क्या होता है, और इतने type के matrix आपके पाए जाते हैं, और इस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज शुरू होगा, कल हम शुरू करेंगे, और इसी से संबंधित आपको किसी में आपको मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, मैट्रिक्स बनाना होगा किसी क्वेश्चन में, किसी में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना होगा, किसी में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताना होगा। एक्सरसाइज हम आपकी कल शुरू करेंगे। थैंक यू।